दुनिया में कब कौन सी चीज ट्रेंड हो जाए इसके बारे में कोई भी अनुमान नहीं लगा सकता। और आज की बात है कि कुछ ही दिन पहले जिस बच्चे का जन्म हुआ उसी बच्चे को बूढ़ा बना दिया, सभी लोग बूढ़े हुए फोटो लगा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, ये फेस ऐप का कमाल है जहाँ पर जवान लोगों को बूढ़ा बना देता है। वैसे तो इस ऐप को सिर्फ आम इंसान ही नहीं बल्कि दुनिया के सबसे बड़े बड़े दिग्गज कलाकार भी इस ऐप को यूज कर रहे हैं और अपने फोटो को बूढ़े बना रहे हैं और इंस्टाग्राम ट्विटर पर वायरल कर रहे हैं। और वहीं अर्जुन कपूर ने इस ऐप से तैयार हुआ बुढ़ापे का फोटो सोशल मीडिया पर शेयर किया है। उसके बाद ही निक जॉन्स ने भी अपना ऐसा फोटो डाल दिया है। कुछ यूजर्स ने विराट कोहली, महेंद्र सिंह धोनी, रोहित शर्मा, वरुण धवन, हैरी पॉटर को भी नहीं छोड़ा और रणवीर दीपिका के फोटो को भी नहीं छोड़ा, तो इन सारे फोटो को शेयर कर दिया। और इतना ही नहीं बल्कि इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक पर फेस ऐप चैलेंज भी चल रहा है। लेकिन इन सब को यह नहीं पता कि मीडिया रिपोर्ट क्या कहती है, प्राइवेसी क्या कहती है, तो आज हम आपको बताएंगे इसकी प्राइवेसी के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक रूसी कंपनी का यह ऐप यूजर से बिना पूछे उसकी फोटो अपलोड कर रहा है। ऐप इंस्टॉल करने के बाद यह उसकी गैलरी को एक्सेस कर लेता है। न्यूयॉर्क के सिनेटेक चक सुमर ने इसे राष्ट्रीय सुरक्षा और निजता पर हमला बताते हुए फेडरल ट्रेड कमिश्नर और FBI से जांच कराने की मांग की है। और वहीं डेमोक्रेटिक पार्टी ने 2020 के राष्ट्रपति चुनाव के पहले प्राइमरी चुनाव में भाग ले रहे प्रतिनिधियों से तुरंत ऐप डिलीट करने को कहा है। और वहीं अगर हम इसकी प्राइवेसी के बारे में बात करें तो इसकी प्राइवेसी कहती है कि यहाँ पर जो भी फोटो अपलोड करते हो, यानी कि अगर आप फेस ऐप में कोई भी फोटो अपलोड करते हो तो वो तुरंत ही उनके सर्वर में पहुंच जाता है, जिससे कि वो कोई भी फोटो को बिजनेस पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं। इतना ही नहीं बल्कि इन फोटोज को थर्ड पार्टी को सेल भी कर सकते हैं। तो क्या आप भी फेस ऐप को यूज करना चाहते हो तो यहाँ पर नीचे कमेंट करके अपना सुझाव जरूर दें।